सरजापुर रोड में। एक्चुअली मैं बेंगलोर में रहता हूँ और यहाँ पे मोटर बाइक करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है क्योंकि ट्रैफिक यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। आप किसी भी इस टाइम आ जाओ आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक मिलेगी, और ऑटो वालों का तो आपको पता ही है। सो ऑटो वाले और कैब वाले का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी किधर से भी घुमा के ये जा सकते हैं। आपको अपना ध्यान रख के बाइक चलाना होता है। सो एनीवे गाइस, सो मेरा 1 मंथ हुआ है अभी बाइक खरीदे हुए और मेरी फर्स्ट सर्विसिंग डन हुई है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा 1 मंथ का। ये बाइक काफ़ी स्मूथ है। एक्चुअली मैं जब बाइक का टेस्ट ड्राइव लेना शुरू किया था तो मैंने काफ़ी बाइक की टेस्ट ड्राइव ली थी और मैंने फाइनल भी ESD रोस्टर किया था। उसका लुक मुझे बहुत ही पसंद आया था, तो बट प्रॉब्लम ESD रोस्टर में यही थी कि उसका माइलेज उतना अच्छा नहीं है। वो एक शॉर्ट स्ट्रोक बाइक है, इट मीन्स कि आपको वो इनिशियल टॉर्क ज़्यादा देती है, काफ़ी ज़्यादा भागेगी, बट लॉन्ग राइड के लिए उतना प्रेफरेबल नहीं है वो। और उसमें हीटिंग इशू काफ़ी ज़्यादा थी, इस कारण से थोड़ा सा मैं डाइसी था कि मैं ESD रोडस्टर ही लूँ या कोई अदर बाइक को ट्राई करूँ। और फिर मैंने होंडा हाइनस ट्राई करी और जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम चलाया उसी समय मुझे उसके इंजन से प्यार हो गया। इतना स्मूथ वो बाइक चलती है। और उसको चलाने के बाद मैंने ये होंडा CB350 RS का टेस्ट ड्राइव लिया क्योंकि वो दोनों में सेम इंजन सेम था, तो आई नो कि ये बाइक भी वैसे ही ड्राइव करेगी। तो ये बहुत ही स्मूथ चलती है, मतलब आपको लगेगा कि आप क्या ही चला रहे हो, कोई बहुत ही स्मूथ बाइक मजे से ये चले जा रही है। अगर आप खाली रोड मिल जाए, अगर आप उसको काफ़ी अच्छे स्पीड पे भगाते हो, आराम से बैठे रहो, बाइक अपनी चलती जाएगी। तो मस्त है ये बाइक, काफ़ी स्मूथ जाता है, कंफर्टेबल है, ड्राइव करने में मज़ा आता है। और ये बाइक को आप लॉन्ग राइड पे भी ले जा सकते हो। मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग इसको इवन स्पीति राइड पे ले गए हैं, लेह लद्दाख ले गए हैं। तो ये दोनों मल्टीपर्पज़ है, सिटी राइड को भी आप यूज कर सकते हो, आप लॉन्ग राइड को भी यूज कर सकते हो। हाइनेस भी अच्छी थी बट मुझे इसका लुक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, थोड़ा स्पोर्टी है, थोड़ा स्क्रैम्बलर और कैफे रेसर काइंड ऑफ इसका लुक आता है, तो मुझे काफ़ी पसंद है वैसा लुक। वो थोड़ी बेसिक रॉयल इनफील्ड क्लासिक वाला लुक देता है होंडा हाइनेस का। और रॉयल इनफील्ड भी अच्छा है बट कुछ ज़्यादा ही है रोड पे, सो इसलिए मुझे कुछ अलग लेना था और अलग में तो आपके पास ऑप्शन काफ़ी कम हो जाते हैं। रॉयल इनफील्ड में वैसे मुझे कॉन्टिनेंटल GT काफ़ी पसंद थी और इंटरसेप्टर, बट वो थोड़ी भारी थी। मैं सोचा पहले, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट बाइक है, इसके पहले मैं कोई नॉर्मल बाइक ही ड्राइव करता था, तो मैंने सोचा पहले एक कोई ठीक ठाक बाइक ले ली जाए जिस पे थोड़ा सा हाथ बैठ जाए, आइडिया हो जाए चलाने का, उसके बाद फिर कोई बड़ी बाइक लेंगे। तो गोल मेरा यही था। और आप देखो इस टाइम भी दोपहर में भी कितनी ट्रैफिक है इधर, और एक तो इतने सारे बीच रोड में ये ब्रेकर्स बने हुए हैं इधर से उधर जाने के लिए, उसके कारण भी बहुत दिक्कत होता है ड्राइव करने में। और इस बाइक का साउंड भी बहुत मस्त है, बहुत प्यारा सा साउंड है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है कि आपको इरिटेशन हो या अच्छा ना लगे, एक बड़ा सा स्मूथ साउंड होता है। आप चलाओगे आपके कान में वो डुक 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 इस बाइक की आवाज़ आती रहती है और बड़ा अच्छा सा फील देता है, मज़ा आता है ड्राइव करने में कि अरे चलाते ही जाऊँ। और ये देखो सिग्नल के कारण आप बेंगलोर में परेशान हो जाओगे, हर 5 मिनट पे आपको एक सिग्नल मिलेगा और वहाँ पे आपको रुकना ही पड़ेगा। सो ये तो प्रॉब्लम है बेंगलोर में। मैं ढूंढ ही रहा हूँ यहाँ पे कि कोई एक प्लेन कम ट्रैफिक वाला रोड मिले जहाँ पे मैं जाके शांति से ड्राइव कर सकूँ। तो गाइस जो भी कोई भी अगर आप बेंगलोर से देख रहे हो, कोई एरिया आपको पता है जहाँ पे ट्रैफिक कम होती है, जहाँ पे हम बाइक कभी भी ले जाके अच्छे से राइड कर सकें, आप लोगों से बातें कर सकूँ मैं वहाँ पे, तो प्लीज़ सजेस्ट करो, डेफिनेटली मैं वहाँ जाकर ट्राई करूँगा। बट मैं सोचा भाई ये मेरे चैनल का पहला ब्लॉग होने वाला है, तो थोड़ा सा बाइक लेके निकलूँ, मोटो ब्लॉग करूँ, एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ, फिर धीरे धीरे वही है अभी ग्रो करूँगा मैं, इसमें सीख ही रहा हूँ। सो यस,
बट वही है, गोल यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट डालूँ जो आपको पसंद आए। आप लोग भी बस सपोर्ट करते रहो, एक कुछ नया स्टार्ट किया है मैंने, और आप लोग सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली काफ़ी ऊपर तक जा सकता हूँ, इससे भी बड़ी बाइक लेके बड़े बड़े राइड्स पे भी जा सकता हूँ। तो यस प्लीज़ कीप सपोर्टिंग गाइस। और ये देखो, बेंगलोर में आपको अगर मैं बोलूँ तो तीन चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है बेंगलोर, यहाँ के ट्रैफिक, आईटी पार्क, सो मेनी आईटी कंपनीज आर हियर, एंड अपार्टमेंट्स। सो जहाँ भी आप खाली जगह देखोगे बेंगलोर में, या तो वहाँ अपार्टमेंट बन रहे हैं या आईटी पार्क बन रहे हैं। सो यहाँ तो यही होता है, कोई भी खाली जगह दिखा आपको, आप सोचे करें ये तो खाली है, दो महीने चार महीने बाद आके देखो वहाँ कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होता रहेगा, पता चलेगा या तो ये आईटी पार्क के लिए है या तो ये किसी अपार्टमेंट के लिए है। तो बेंगलोर यही है, बट बेंगलोर का भी अपना मज़ा है, वेदर नो डाउट यहाँ से बेटर वेटर इंडिया में कहीं और मिलता है कि आप पूरे साल रिलैक्स होकर इंजॉय कर सको। यहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ गर्मी में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, मतलब जाड़े में काफ़ी जाड़ा पड़ रही है, तो कोई चीज़ यहाँ एक्सट्रीम नहीं है, एक प्लेजेंट वेदर ऑल अक्रॉस द ईयर यहाँ बना रहता है, जिसके कारण से मज़ा आता है यहाँ रहने में। मेरा तो फेवरेट है भाई ये। और सर्विसिंग के पहले मुझे इन्होंने बोला था कि ज़्यादा स्पीड पे आए बाइक ना चलाएं, मैक्सिमम 60-70 का स्पीड ही रखें, बस फर्स्ट सर्विसिंग के बाद मैं इसको तेज़ी से भगा सकता हूँ। ओके, सो फर्स्ट सर्विसिंग में मुझे इसका चार्ज जो आया वो 2200 के समथिंग के अराउंड आया था, इन्होंने ऑयल वगैरह जो चेंज होता है वो करा था, बेसिकली 1800 समथिंग का बिल था, उस पर कुछ GST था, तो वो सब मिला जुला के 2200 या 2300 के अराउंड में मुझे टोटल बिल आया। और ये देखो सामने आप एक्सेंचर देख सकते हो यहाँ पे, ये भी एक टेक पार्क है, यहाँ पे एक्सेंचर, पेपाल के ऑफिसेज और भी बहुत सारे ऑफिसेज हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। भाई रुक जा, सबको हड़बड़ी रहती है यार, जो आ रहा है पहले उसको तो जाने दो। ये आए हम एक फ्लाईओवर पे, और ये नीली कलर की बस दिख रही हो आपकी, ये बेंगलोर की एसी बस है, काफ़ी अच्छी बस होती है, और बस का भी यहाँ काफ़ी अच्छा रूट है, इट मीन्स कि ऑल द टाइम आपको बस अवेलेबल है, सारे रूट्स के लिए बस अवेलेबल है, तो ट्रांसपोर्ट का यहाँ इशू नहीं होता है। अभी बस पंगा ये हुआ है कि पूरे बेंगलोर में मेट्रो बन रहा है, जिसके कारण सारे रोड खुदे हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है या रोड्स को ब्लॉक किया गया है कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसके कारण काफ़ी ट्रैफिक हो जा रही है, वो जगह डाइवर्सन्स बने हुए हैं, रोड उधर से जाना नहीं है, इधर से जाना नहीं है। सो या ये देखो सामने कितने सारे नए नए अपार्टमेंट बन रहे हैं या फिर बने हुए हैं, पूरा अपार्टमेंट्स का आपको एक थोड़ा सा फास्ट करो और कोई ना कोई ट्रैफिक आ जा रहा है, यही पंगा है यहाँ पे। ये देखो भाई ट्रैफिक आगे कितना है, लग रहा है इधर से मुड़ना ही पड़ेगा मुझे। और माइलेज की बात करो तो काफी अच्छा माइलेज दे रहा है अभी आई थिंक मुझे 28 का माइलेज दे रहा है, बट कंपनी बोलती है 30-35 तक जाएगा, तो लेट्स सी जैसे जाता है मैं बताऊंगा। कि अभी मैंने कोई लॉन्ग राइड हाईवे पे नहीं करा है, इसलिए मैं हाईवे का आपको नहीं बता सकता हूँ, बट इन द सिटी मुझे 28 का ये दे रहा है एवरेज। और इधर साइड में आप देखोगे तो डेकेथलॉन है बेंगलोर का, ये देखो जो सरजापुर रोड में है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा शॉप है, आई थिंक लोगों को पता ही होगा डेकेथलॉन के बारे में। ये तो
मैं एक्चुअली उतना फास्ट चलाता भी नहीं हूँ, मैं आराम से ही बाइक ड्राइव करता हूँ, और इस टाइप की बाइक वैसे भी फास्ट चलाने के लिए नहीं होती है। ये आपको एक कंफर्टेबल राइड देती है, आराम से बैठो, घंटों इस पे ड्राइव करो ताकि आपको थकावट ना हो, रिलैक्स होकर ड्राइव करते जाओ। ज़्यादा फास्ट चलाने से कुछ नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 मिनट टाइम सेव कर लोगे, बट उसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो ऐसा क्यों करना। आराम से ड्राइव करो, 10 मिनट लेट ही पहुँचो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट में कुछ ना होने वाला है।